फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम सूर्य ग्रहण के बारे में जानने वाले हैं। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सूर्य ग्रहण पे वीडियो बनाओ, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगने वाला है, आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है इसके ऊपर। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि सूर्य ग्रहण के दिन आपसे कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़े दिन पहले ही चंद्र ग्रहण था और अब सूर्य ग्रहण 10 जून दोपहर 1:41 से शाम को 6:41 तक रहेगा। इसमें सूतक काल 9 घंटे पहले से माना जाता है, क्योंकि हर ग्रहण में जो सूतक काल होती है 9 घंटे पहले से माना जाता है। तो सूतक काल आप 9 घंटे पहले से आप देख सकते हो। अच्छा, सूर्य ग्रहण के दिन प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पिछले साल जब सूर्य ग्रहण लगी थी तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही होती है, जैसे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को सूर्य ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि इससे बच्चे पर कोई इफेक्ट पड़ता है। मीन्स मैं जहाँ तक जानती हूँ, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, वो बच्चे का ज़्यादातर ना ये हिस्सा है वो कट मार्क होता है, या बच्चे में किसी तरह का कोई ना कोई अपंगता आ जाती है, ऐसा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं। आपके घर में भी ऐसा कुछ कहते होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मेरे दूसरे सब्सक्राइबर या दूसरे जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले। अच्छा, ये पहला चीज़ है कि आपको घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। दूसरा आपको क्या करना है कि अपने हिसाब, अपने जो लेंथ का धागा एक लेकर, कोई भी अच्छा धागा लेकर, कुछ नहीं हो तो कलावा लेकर या कोई काला धागा लेकर आप अपने लेंथ को नापे, और वो वाला धागा अपने दरवाजे के कोने में टांग दे, जहाँ पे किसी को दिखाई ना पड़े। और जब सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाए तो आप इसको विसर्जित कर सकते हैं, या कहीं दबा सकते हैं, मिट्टी खोद के दबा सकते हैं। मीन्स वो उस पर किसी का पाँव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हमारे घर के भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं। थर्ड आपको क्या करना है कि सूर्य ग्रहण के टाइम में आपको नहाना नहीं है, सूर्य ग्रहण ख़त्म होने के बाद नहाना है। प्रेगनेंसी में बहुत लोग ये सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लंबे लंबे टाइम का पड़ता है, तो क्या हम इस बीच में खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं? क्योंकि मान्यता के अनुसार, धार्मिक मान्यता के अनुसार, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, धार्मिक मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में खाना पीना नहीं चाहिए। लेकिन आप ही सोचिए कि 5 से 6 घंटे का अगर सूर्य ग्रहण होगा तो बंदा इसमें खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, खासकर प्रेगनेंसी में, या फिर बच्चे अगर खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो खाने पीने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप बिल्कुल खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो चौथा ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में खाना नहीं बनाना चाहिए, जिसको मैं भी मानती हूँ। तो सूर्य ग्रहण में मैं खाना नहीं बनाती हूँ, पहले बना के रख लेती हूँ। गेरू या तुलसी का पत्ता या एक पुस होता है, वो हम लोग डाल लेते हैं। तो आप लोगों के वहाँ पर जो जो मान्यता है वो आप डाल सकते हैं सूर्य ग्रहण के दिन। अच्छा, सूर्य ग्रहण के दिन क्या हमें नहाना चाहिए सूर्य ग्रहण के टाइम में? तो सूर्य ग्रहण के टाइम में नहीं नहाना चाहिए, सूर्य ग्रहण से पहले आप नहा सकते हो, लेकिन सूर्य ग्रहण ख़त्म होने के बाद ज़रूर नहाना चाहिए। इसके अलावा आप सूर्य ग्रहण में दान पुण्य भी कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण ख़त्म होने के बाद दान पुण्य कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में कोई भी ग्रहण लगता है, उसके बाद दान करने से हमारे जो भी बुरे चीज़ें हमसे हुई होती है वो पुण्य में बदल जाता है। तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए, और प्रेगनेंसी में तो ऐसे भी दान पुण्य कर दीजिए, बहुत अच्छी होती है। नॉर्मली भी दान पुण्य जो आपसे बन पड़े वो करना चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ बता दी। अब एक और चीज़ बताते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण इंडिया में लग रहा है? तो देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, फिनलैंड और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में लग रहा है, लेकिन ये इंडिया में नहीं लग रहा है। अब हमारे घर में तो उस दिन सूर्य ग्रहण की मान्यता नहीं मानी जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इंडिया में दूसरे लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग अपने वहाँ पे बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, जो आप लोग के वहाँ पंचांग देखते हो या जो भी है। क्योंकि सूर्य ग्रहण में वैसे तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं मानती हूँ, लेकिन मॉम बनने के बाद से ना बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में आने लगती है कि बच्चे पर कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए मैं भी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगती हूँ, कुछ चीज़ मानने लगती हूँ, क्योंकि बात यहाँ पे मेरी नहीं है, मेरे बच्चे की है, तो उसको कोई प्रॉब्लम मेरी वजह से नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा सोच के मैं भी ये चीज़ें अवॉइड करने लगती हूँ। हालांकि सूर्य ग्रहण को मैं बहुत अच्छे से नहीं मानती हूँ, लेकिन मॉम बनने के बाद कुछ कुछ चीज़ें मैं मानने लगी हूँ, जो कि लगता है कि इसको ना करने से मेरे बच्चे पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा ही था, अपना मैं जो सोचती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
आप लोग के वहाँ पे क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है, आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि क्या सूर्य ग्रहण के दिन आप लोग क्या करते हो, या फिर आप लोग इस सूर्य ग्रहण को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, आपकी सिटी में, आपके कंट्री में, आप किस कंट्री से देख रहे हो यह वीडियो, सब कुछ बता दीजिएगा ताकि मेरे दूसरे व्यूवर्स और मुझे भी खुशी हो और जानने का मौका मिले आपको। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।